अस्सलाम वालेकुम सजनों तो बेलियो मित्रों तो जानियों के हाल है। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मटरों को कैसे एक साल के लिए स्टोर किया जाता है इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा। ये बहुत आसान तरीका है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मटरों को छील लेना है। मटरों को छीलने के बाद आपने इसको 3 या 4 मरतबा गर्म पानी में धोना है। तो जिस तरह मैंने ये धोई, ये देखो मैंने 3 या 4 मरतबा इसको धो लिया है। अब लास्ट दफ़ा इसको गर्म पानी डालकर 1 चम्मच नमक डाला है और 5 या 10 मिनट के लिए रखा है। इस तरीके से मैंने इसको मसला है। मसलने के बाद फिर मैं इसको वो छोटे छोटे पैकेट में डालूंगा और फ्रीज़र में फ्रीज कर दूँगा। फिर उसके बाद जब भी आप इसको निकाल के यूज़ करेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि आपने फ्रेश अभी अभी निकाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। ये देखें तो सर इस तरह आपने देसी तरीके से सील लगा लेनी है। इस शॉपर को आपने ऊपर से इस तरह कर्व करना है। कर्व करके बेंड जब करेंगे ना तो बेंड करने के बाद ये जो एज होता है एज को इस तरह आके ऊपर जलाना है। जलाने के बाद ऊपर फिंगर के साथ इस तरह आपने इसको दबा देना है तो फिर आपकी ये सील कंप्लीट सही हो जाएगी। ये देखें ये सही बिल्कुल सील होगी। अब ये निकल नहीं रहे मटर। तो इस तरीके से आप अपने मटर ये पैकेट बंद कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक बंद किया कि जितने हमने हर रोज़ यूज़ करने हैं। आप भी तो इस तरह आप भी बचत करें। तो आप सीज़न में लेकर 5 से 10 किलो मटर इकट्ठे लेके छील लिया करें तो आपके 6 मंथ आराम से निकल सकते हैं। एक तो आपकी ये वेजिटेबल फ्रेश की फ्रेश आपके पास होगी जो कि आउट सीज़न में नहीं मिलती और दूसरी ये बहुत ही सस्ती पड़ेगी आपको। तो प्लीज़ अब तो एक सब्सक्राइब तो बनता है जानी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया।